बच्चे लोग इस सिस्टम में लोग सीखने वाले हैं हाउ टू एक्सप्रेस हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ठीक है, तो ध्यान देना, तो पार्ट्स पर मिलियन से बेटर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर पीपीएम रहेगा तभी तो निकाल लेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ इन पीपीएम या फिर कुछ अलग अलग रहेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीपीएम और अदर पैरामीटर और अदर पैरामीटर्स। तो जनरली आपको पीपीएम में निकालना होता है, जनरली आपको पीपीएम में निकालना होता है, जनरली आपको पीपीएम में निकालना होता है। ध्यान देना इसको निकालते हैं हम लोग कैसे हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या होगा पास, द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10^-3 मोलर कैल्शियम सल्फेट, 10^-3 मोलर कैल्शियम सल्फेट, इसका आंसर कैसे निकालना है। और गिवन दिया हुआ है कि मोलर मास है कैल्शियम सल्फेट का 136 ग्राम पर मोल, मोलर मास आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना आपको क्या करना है, आपको इसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो भी सिस्टम में सॉल्ट होगा तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट समझ से क्या होता है, बराबर होता है। तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो हम बोल सकते हैं तो जो भी सॉल्ट होगा, यानी जैसे यहाँ पे सॉल्ट क्या है, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है, इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम लिख सकते हैं। तो लिख दिए, अब ध्यान रहे हम क्या मान रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं हुआ है, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको हम 1 लीटर मान लिए। 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 ml। अब 1000 ml अगर मानते हैं सिस्टम का सॉल्यूशन, तो उसमें मोल कितना होगा कैल्शियम सल्फेट का, तो चूंकि मोलरिटी दिया हुआ था 10^-3, तो मोल कितना हो जाएगा, तो जो अगर वॉल्यूम 1 लीटर लेंगे तो जो मोल मोलरिटी होगा वही मोल हो जाएगा, तो मोल इतना हो जाएगा, मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट होगा इतना हो जाएगा। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो चूंकि डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होता है, उसको हम क्या, तो उसको क्या बोल सकते हैं, तो हो जाएगा वो 1000 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आप ध्यान से, अब ध्यान देना तो आपको कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का जो इक्विवेलेंट होगा इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे जी, तो आपको पता है इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टर इनटू मोल होता है। तो मोल कितना है, 10^-3 है, तो 10^-3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि इसका सॉल्ट का एन फैक्टर क्या, 2 होगा, इतना हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट क्या हो, सेम हो जाएगा। अब हमको अगर मोल निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मोल कैसे निकालेंगे, तो उसके इक्विवेलेंट को डिवाइड करेंगे उसके एन फैक्टर से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी एन फैक्टर कितना होगा, इसका भी 2 होगा, क्योंकि यहाँ भी ये सॉल्ट है, तो इसका भी एन फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा। तो गिवन इक्विवेलेंट को 2 से डिवाइड कर दे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का
मोल किधर निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 10^-3 मोल आ जाएगा, 10^-3 मोल निकल के इसका आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना वेट ऑफ, चूंकि हमको पीपीएम मान से चाहिए ना, हमको आंसर पीपीएम में चाहिए, और आपको सॉल्यूशन का वेट आप केजी ग्राम में निकाल चुके हो, ग्राम में आप निकाल चुके हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट भी ग्राम में निकालना पड़ेगा। तो ग्राम में निकालेंगे कैसे, तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलो मास से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलो मास कितना होता है, 100, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 0.1 ग्राम। क्या आ जाएगा, 0.1 ग्राम। ठीक, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का आप वेट निकाल लिए। ठीक है, आपको पीपीएम निकालना, तो क्या करोगे, तो पीपीएम का फॉर्म, पीपीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट ऑफ जो कंपोनेंट है नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट होगा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6 कर लेंगे। तो 0.1/1000 इंटू 10^6 मतलब क्या हो जाएगा, 100 ppm। क्या हो जाएगा, 100 ppm, 100 ppm। ठीक है, 100 ppm। ठीक है, 100 ppm। सेकेंड था ना, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपका 100 ml सॉल्यूशन में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 0.81 ग्राम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है 0.73 ग्राम। ठीक है, इस सिस्टम को हमको, यानी इस सैंपल को हमको का हार्डनेस को एक्सप्रेस करना है। ये हार्ड वाटर है, ठीक है, इसके हार्डनेस को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया 1 ग्राम पर ml, क्या को दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो क्या करोगे, ध्यान दोगे, यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका मोलो मास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोलो मास कितना होता है, इतना मोलो मास होता है 162। ठीक है, तो उसका उसका मोल निकालेंगे, तो मोल क्या होगा, 0.81/162 एन क्या हो जाएगा, 100, 1/200 होगा। इसका इक्विवेलेंस क्या होगा, तो मोल को मल्टीप्लाई करो एन फैक्टर से, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का भी एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ना, तो इसका जो कड़ानी चार्ज क्या, +2 है, तो इसका एन फैक्टर, और या फिर अनानी चार्ज भी हो तो अनानी चार्ज भी क्या, -2 है। तो कोई भी एक चार्ज लेके हम सॉल्ट का एन फैक्टर निकाल सकते थे, ये तो पढ़े हुए हो। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 × 1/200 क्या होगा, 1/100 होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मोलो मास होता है 146, उसका मोल कितना होगा, 0.73/146 यानी क्या होगा, 1/200। इसका भी इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/100, इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इसका इक्विवेलेंट भी आ जाएगा 1/100। तो अब ध्यान देना, दोनों का इक्विवेलेंट जोड़ दो, दोनों का इक्विवेलेंट जोड़ देंगे तो हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट टोटल क्या होगा, दोनों का सम कर देंगे यानी इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हो जाएगा 1/50। क्या हो जाएगा, 1/50। अब आपको मोल निकालना है, तो मोल निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ध्यान देना, तो मोल निकालने के क्या करेंगे, तो जो भी आपका इक्विवेलेंट है उसको डिवाइड डिवाइड करेंगे एन फैक्टर से। तो इक्विवेलेंट कितना निकाला है, तो इक्विवेलेंट निकाला हो 1/50, उसमें बाई टू कर देंगे, बाई टू कर देंगे यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/100 आ गया, 1/100 आ गया। ठीक, ध्यान ना, आपको वेट निकालना है, हमको वेट निकालना है, तो वेट कितना होगा, तो 1/100 में मोल में वेट कितना होगा, तो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर, तो क्या जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। क्या जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान ना, जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 100 ml था और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ले लेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, और ध्यान देना, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, और 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम आप निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट होगा, तो 1 इसका हार्डनेस क्या होगा, 1/100 इंटू 10^6 यानी हो जाएगा 10^4 ppm, 10^4 ppm हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह सोचना है, इसको इस तरह से सोचना है, ऐसे ध्यान देना। ये तो हो गया तरीका निकालने का, ध्यान दो, इसका छोटा सा तरीका, इसको छोटे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसलिए फॉर्मूला भी दे सकते हैं, तो आपको जो समझ में आएगा, आपको प्रोसेस निकालना आसान लगता है तो प्रोसेस अप्लाई कर लेना,
अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ध्यान देना, मिलीग्राम पर लीटर जो होता है ना उसको हम पीपीएम बोल सकते हैं। जब भी कोई वैल्यू दिया रहेगा मिलीग्राम पर लीटर में उसको पीपीएम बोल सकते हो, उसको पीपीएम लिख सकते हो। यानी मिलीग्राम पर लीटर में कोई स्पेशली क्या रहेगा तो उसको पीपीएम लिख सकते हो। क्या लिखते हो? पीपीएम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान दोगे मिलीग्राम पर लीटर को आप पीपीएम बोल सकते हो, पीपीएम आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब देखो इसको इसको आप यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या बोला गया कि जो कैल्शियम कार्बन का जो इक्विवेलेंट होता है ना, ठीक है, जो हमको निकालना होता है वो बेसिकली होता है, तो कैल्शियम कार्बन का इक्विवेलेंट इन पीपीएम, इक्विवेलेंट इन पीपीएम निकालने का तरीका क्या होता है? तो बोला गया है जिस भी सॉल्ट का निकालना है, जिस भी सॉल्ट का निकालना है उसका पीपीएम, उसका वेट लेंगे पीपीएम में। जिस भी सॉल्ट को निकालना है उसका वेट लेंगे पीपीएम में, यानी वेट हमको पता होना चाहिए किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में वेट पता होना चाहिए, पर लीटर में। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर हमको वेट पता होना चाहिए। जिसका भी निकालना होगा जिस भी सॉल्ट का उसका पीपीएम पता होना चाहिए। पीपीएम मतलब या तो पीपीएम में दिया चाहिए आंसर क्वेश्चन में, या तो दिया रहना चाहिए मिलीग्राम पर लीटर में दिया चाहिए, या तो मिलीग्राम पर लीटर में दिया होना चाहिए। ठीक है, उसके वेट उसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट से, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सैंपल से डिवाइड करेंगे। ठीक, और उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान देना, आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होता है? 100 होता है, और उसका एनर्जी फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है उसके बदले में क्या रिप्लेस कर देंगे? 50 रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ 50 डाल सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो छोटा हो गया। छोटा क्या हो गया? आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जिसका भी निकालना है उसका वेट पता होना चाहिए किसमें, पीपीएम में, और मिलीग्राम पर लीटर में पता होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, इंटू 50 कर देंगे। 50 किसके लिए? कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सैंपल, सैंपल के इक्विवेलेंट वेट से यहाँ डिवाइड करना आपको, तो हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन पीपीएम, इन इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन पीपीएम। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके दिखाते हैं आपको, इसको आपको अप्लाई करके दिखाते हैं इस फॉर्मूला को। जैसे मान ले आपको MgCl4 दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके लिए आपको MgCl4 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि 180, क्या दिया हुआ है? 180 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, यानी आपको ppm दे दिया, 180 ppm दिया हुआ है आपको। इसका एक इसके लिए आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना, सो डायरेक्टली फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो फॉर्मूला में देखो ध्यान से, तो ऊपर का वेट क्या है? 180 लिया हुआ है। नीचे हो जाएगा उसका सैंपल का इक्विवेलेंट वेट इंटू 50, तो 50 यहाँ हो जाएगा। सैंपल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो ध्यान देना, MgCl4 का मोलर मास कितना होता है जी? मोलर मास होता है 120। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो 120 बाई 2 यानी 60 होगा। तो 60 डिवाइड कर दे, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू आ जाएगा 150 आ जाएगा, 150 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको इस तरह आप सोच सकते हो, इसको इस तरह सोच सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, बेसिकली यहाँ पे कुछ हम नया चीज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पे जो हम लोग अभी तक तो जो प्रोसेस फॉलो किए थे
उसी को सम अप करके छोटा कर दिया है। जैसे मान ले इस सैंपल में वेट वेट बाई इक्विवेलेंट वेट है, तो वेट बाई इक्विवेलेंट क्या देगा, ये आपको इक्विवेलेंस देगा, ये आपको इक्विवेलेंस देगा। वेट ऑफ सैंपल बाई उसका इक्विवेलेंट वेट क्या देगा, तो आपको इक्विवेलेंस मिल जाएगा। उस इक्विवेलेंस को मल्टीप्लाई करो 50 से, तो 50 क्या इक्विवेलेंट वेट है, तो ये क्या देगा आपको, आपको दे देगा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा, इन पीपीएम दे देगा, इन पीपीएम दे देगा। तो हम जो इतना प्रोसेस फॉलो किए थे उसी को छोटा कर दिया गया बस। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब सेम प्रोसेस जो हम लोग दो तीन स्टेप ले रहे थे उस सारे को सिंगल स्टेप में हम लोग क्या किए, कंबाइन कर दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे हर काम अलग कर रहे थे, इक्विवेलेंस अलग निकाल रहे थे, उसको फिर चेंज करते थे। यहाँ पे क्या किया गया, इक्विवेलेंस निकाला गया, इक्विवेलेंस को मल्टीप्लाई कर दिया गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू, मतलब क्योंकि यहाँ पीपीएम में है तो यहाँ भी पीपीएम होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्वेश्चन में ध्यान देना, इससे पहला जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, हाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपका जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और कैल्शियम का मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, दोनों का आपको दिया हुआ है 100 ml में, 100 ml में दिया हुआ है, दोनों का वेट दिया हुआ है, भी ग्राम में दिया हुआ है। तो हम क्या बोले, पहले इसको चेंज करो मिलीग्राम में, ठीक है। हम क्या बोले हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको मिलीग्राम में चाहिए सब कुछ, यानी आपको मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए, मिलीग्राम पर लीटर में आपको चाहिए, ठीक है। तो 1000 ml में कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना होगा मिलीग्राम में जी, तो 0.81 ग्राम को मिलीग्राम में करने से कितना आएगा, 810 आएगा, और उसको एक और मल्टीप्लाई करते हो जाएगा इतना मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट 1000 ml में इतना होगा, 8100 mg पर लीटर होगा। सिमिलरली जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0.73 को मल्टीप्लाई करो 1000 से और 10 और मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, हो जाएगा 7300 हो जाएगा। यानी हम पहले क्या करें, डेटा को चेंज कर रहे हैं मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेंगे अभी हमको फटाफट, इसमें कोई डाउट है आपको, कैसे हम चेंज कर रहे हैं मिलीग्राम, सैंपल के ग्राम को चेंज किया हम लोग इसमें मिलीग्राम पर लीटर में कैसे चेंज करें, कोई दिक्कत है किसी को, अशोक ठीक है। तो यहाँ अगर इतना आप अगर चेंज कर ले तो फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं लोग, तो मिलीग्राम हमको मिल गया, तो वही चीज यहाँ पे दिया होगा। तो जो कि आप कैल्शियम कार्बोनेट का मिलीग्राम निकाल लियो कितना है, इतना आ रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, तो उसका हार्डनेस एक का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो उसका उसका मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय उसका उसका इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मोलर मास जो 162 होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 81 होगा। उसका 81 से डिवाइड कर रहे हैं और इंटू 50 कर देंगे, इंटू 50 कर दिए, ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 5000। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का पीपीएम वैल्यू को डिवाइड करेंगे उसके उसके किससे, इक्विवेलेंट वेट से, इंटू 50, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000। फिर दोनों दोनों का इक्विवेलेंट निकल गया कितना, 5-5 हज़ार, तो नेट क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो नेट इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, हो जाएगा 10,000 यानी 10^5 ppm, 10^5 ppm, ठीक है। ये तो हम लोग निकाले थे। सिमिलरली इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग कैल्शियम सल्फेट का, तो जो कैल्शियम सल्फेट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन को 1 लीटर मान ले, तो यहाँ से आपका मोल कितना मिल जाए, तो मोल मिल जाएगा तो इतना ही मोल मिल जाएगा। अब ध्यान देना, हमको चूंकि हमको चाहिए, हमको इसको एक्सप्रेस करना, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एक्सप्रेस करना, इसको मिलीग्राम पर लीटर में हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो मोल मोल मिल गया हमको, 1 लीटर का मोल मिल चुका है, हमको 1 लीटर का मोल मिल चुका है, तो उसको पहले उसका मास निकालते हैं। तो मास क्या होगा, तो मास इन को मल्टीप्लाई करना, मास लेने के लिए क्या होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना इन मोल मास ऑफ, नहीं सॉरी, कैल्शियम सल्फेट का मोल मास कितना होता है जी, तो मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट मिला हुआ है, तो हमको कैल्शियम सल्फेट के मोल मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसको मिल जाए, चेंज कर सकते हैं हम वेट में, ठीक है। तो ध्यान देना, तो कैल्शियम सल्फेट का मोल मास तो 136, तो 10^-3 यानी
इंटू 136 ए हो जाएगा इसका ग्राम में आंसर। उसको मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 10^32 से मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 136 मिलीग्राम पर लीटर होएगा ये चीज। अब इसका हमको पीपीएम निकालना है तो क्या होगा, 136 बाई कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 68 इंटू 50। ये अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको 100 पीपीएम, यानी पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा 100 पीपीएम। ठीक है, बता ना क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट टेम्पोरी इन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। ये सैंपल में आपका मैग्नीशियम सल्फेट लिया हुआ है 25 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है 55 मिलीग्राम पर लीटर और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया हुआ है 32 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इस सैंपल को हमको निकालना है टेम्पोरी इन परमानेंट हार्डनेस। आपको पता है जो बाइकार्बोनेट होता है, जो बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है, जो बाइकार्बोनेट होगा वो आपको सैंपल को क्या करेगा, टेम्पोरी हार्ड करेगा। तो बताओ के पास क्या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का वैल्यू कितना है, 32 ppm है। हार्डनेस के लिए क्या होता है, 2 बाई इसका इक्विवेलेंट वेट इंटू 50 कर लेंगे, इसका पीपीएम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली परमानेंट हार्डनेस कौन करेगा, तो सल्फेट एंड क्लोराइड आपका परमानेंट हार्ड करता है वाटर को। तो परमानेंट के लिए सल्फेट होगा, तो सल्फेट के लिए कितना इक्विवेलेंट होगा, तो सल्फेट का 120 दिया हो तो 120, ठीक है, तो सल्फेट का 120 सॉरी जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसका पीपीएम दिया हो 25 और मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास दिया हो 120, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, 60 होगा। तो 25 बाई 60 इंटू 50 कर लेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका मोलर मास 111 होता है, तो उसके लिए जो निकलेगा पीपीएम क्या होगा, 55 बाई उसका इक्विवेलेंट वेट यानी 111 बाई 2 इंटू 50 कर लेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हो जाएगा टेम्पोरी एंड परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पोरी निकला ड्यू टू बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट एंड क्लोराइड के कारण मिल जाएगा हमको परमानेंट। तो टोटल परमानेंट हार्डनेस कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और आपसे कोई बोलेगा कि टोटल हार्डनेस कितना होगा, तो टोटल हार्डनेस क्या करोगे, अब टेम्पोरी और परमानेंट दोनों को जोड़ देना, अब टेम्पोरी एंड परमानेंट दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका टोटल हार्डनेस, हो जाएगा आपका टोटल हार्डनेस। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चा, आप लोग को जल्दी से फास्ट रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नीट का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर का, ठीक है, तो उस क्वेश्चन कर लेते हैं, नीट का लास्ट क्वेश्चन करके चैप्टर इस टॉपिक को फिनिश करता हूँ लोग। तो ध्यान है ना, यहाँ पर क्वेश्चन 50 को सॉल्व करेंगे आप लोग, जल्दी फास्ट इसका आंसर बताएंगे मेरे को। हाँ ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें बोला गया है आपका मैग्नीशियम का अमाउंट दिया हो क्वेश्चन में, आपका मैग्नीशियम का अमाउंट दिया हो क्वेश्चन में,
ठीक है, आपको पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा पूछा गया है, ठीक है। तो जाओ ना, तो सिंपल सा बात है कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ जो होगा, तो मिली मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Mg+2 इक्वल टू क्या होगा, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Mg+2 इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा, तो हमको बस इतना निकालना है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Mg+2 कितना है जी, तो 12 मिलीग्राम है भाई, बाई डिवाइड करोगे इसको इसको इक्विवेलेंट वेट से, तो Mg+2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 24/2 कर देंगे, 24 उसका मोलो मास होता है, बाई 2 उसका फैक्टर, तो ये हो जाए 12 हो जाएगा, तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 12/12 यानी क्या होगा 1 होगा, तो 1 मिली इक्विवेलेंट होगा किसके लिए, Mg+2 का होगा। तो अगर ये 1 मिली इक्विवेलेंट होगा तो जो वॉशिंग सोडा है वो भी क्या होगा, वही वही 1 मिली इक्विवेलेंट यूज होगा, कि दोनों का मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का मिली इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ये होगा, ठीक है। तो घुमा फिरा के आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कुछ लोग कोई ठीक है, ये क्वेश्चंस का शायद क्वेश्चन देखना था, तो दिशा देखो ये क्वेश्चन दिया क्या हुआ था, ये क्वेश्चन जस्ट सॉल्व किया था हम लोग, जो क्वेश्चन जो दिया उसमें दिखा रहा हूँ। कैलकुलेट टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ हिस्ट्रो सैंपल, उसमें पीपीएम दिया हुआ था आपको, मैग्नीशियम सल्फेट का पीपीएम दिया हुआ था, कैल्शियम क्लोराइड का पीपीएम दिया हुआ था, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का पीपीएम दिया हुआ था। तो जो बाइकार्बोनेट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा टेम्पोरी हार्डनेस के लिए, एंड सल्फेट एंड क्लोराइड रिस्पॉन्सिबल होगा परमानेंट हार्डनेस के लिए, ठीक है। जो कि पीपीएम दिया हुआ है, तो फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, तो वेट इन पीपीएम बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 50, ये बस अप्लाई कर देना है, बस ये अप्लाई कर देना है सारे सारे के लिए, तो हम लोग यही अप्लाई कर दिए हैं, तो सारा चीज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो टेम्पोरी के लिए क्या होगा, पीपीएम 32 था, तो 32 बाई इसका इक्विवेलेंट वेट इंटू 50, इसका आंसर हो जाएगा। परमानेंट के लिए क्या किया हम लोग, तो पीपीएम दिया हुआ था, तो सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट का पीपीएम 25 था, तो 25 डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट इंटू 50, एंड क्लोराइड का पीपीएम कितना, पीपीएम दिया हुआ 55 डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट, यानी 111/2 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, इंटू 50 कर देंगे, तो इसका निकल कर जाएगा, तो हो जाएगा दोनों पापा, तो दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा टोटल परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा। और टोटल हार्डनेस में क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस में क्या करोगे, तो तीनों को जोड़ देना, यानी टेम्पोरी परमानेंट दोनों को जोड़ के आपका टोटल हार्डनेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो, चलो आप लोगों को ठीक है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको तैयार कर लेना, नोट्स में शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो नोट्स देख लेना, रिकैप करना नोट्स का आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।